हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के बेड़सी गंगा। राजू महाराज जी, बताइए यहाँ के इतिहास के बारे में, बताइए कौन सी स्थान है और ये कहाँ पे आता है? बोलो अर्जुन बाण गंगा की, बोलो गनी माँ की। यहाँ पर कई सदियों से तीन गुणी महादेव है, दूसरा यहाँ पांडवों की धुनी है और अर्जुन जी ने बाण चलाकर ये गंगा निकाली थी, इसलिए अर्जुन बाण गंगा कहते हैं इसको। जब पांडवों केरवा का युद्ध चला था तब गायों का गाय थी लेने केरवा नाटा था टेंदाड़े अर्जुन बाण गंगा बनाई अर्जुन जी बाणवाई ने। बीजी बात आनी जगह माते गुरु गोविंद महाराज जिंदाड़े मालगढ़ कांड ने अंदर इन्होंने सजा बोली। ब्रिटिश सरकार गुजरात में अहमदाबाद गए उस दिन, दो तो उनके बेटे थे हरि और अमरू और माँ गनी गोरानी, तीनों को कलजी भेमा को सौंप गए थे कि उसको जिंदे पालना और मुए जलाना। तो हरि अमरू को तो घर बनाया, खेती बाड़ी संभाली और जमीन बना के घर बना के इनको तो रख दिए बंजारों के में। और माँ था वो कलजी भेमा पाए रह जीवे अटला जरा पालन पोषण की दू करते करते फिर उनका देवलोक होना हुआ। तो देवलोक हो गए तो अर्जुन बाण गंगा पर गुरु गोविंद ने कहा था कि यह स्थल अच्छा है, यहाँ शंकर भगवान हैं, यहाँ पांडवों की धोनी हैं, तो यहाँ पर ही माँ की समाधि करना, यूँ कहा था। मैं कहीं पर ही चला जाऊँ तो मैं वापस आपको मिलूँगा नहीं, ये वायदा था। तो माँ गनी देवलोक हो गए तो यहाँ पर ला के कलजी और भीमा ने समाधि की। इसी समाधि का आज तक पूजा हम कर रहे हैं, हाँ झवार भी कर रहे हैं, तिथि तिथि माते हवन भी कर रहे हैं, लोग भी इकट्ठे कर रहे हैं और हम इसको आज तक मानते हुए हमारी माँ है यूँ मान के हम आजकल सेवा कर रहे हैं। बोलो गनी माँ की। महन जी बताइए कौन सा स्थान है ये? यूँ तो बेड़सी गंगा करते हैं पर यहाँ त्रिमेश्वर महादेव हैं और ये बेड़सा गंगा नाम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ नीचे कुंड बने हुए हैं जो 2-3 फीट गहरे हैं, वो गर्मी में भी ये पानी सूखता नहीं है और यहाँ की मवेशी और जनता ये पानी पीती है। और यह सामने गनी माँ का ये एक पूजनीय स्थान है और यहाँ पांडवों की भी धुनी है और यहाँ शिव जी का ये प्राकृतिक स्थान है जो त्रिमूर्ति है, 3 खंड बने हुए हैं यहाँ, तीन खंड बने हुए हैं ब्रह्मा और विष्णु और महेश, ये तीनों यहाँ स्थापित हैं। ये बहुत सदियों कौरव पांडवों के वक्त का ये स्थान है। दोस्तों आपको हम एक समाचार के माध्यम से बताते हैं, हाँ, जो महादेव जी का 3 खंड बने हुए हैं जी, ये हमें जोशी जी ने बताया। क्या नाम आपका? नानुराम जोशी बेड़सा। बोलो 5 पांडव की, बोलो सती द्रुपदा की। यहाँ पर 5 पांडव और सती द्रुपदा ने भी यहाँ पर तपोबल किया था, इसी कारण यहाँ पर ये पांडवों का स्थान बनाकर गुरु गोविंद ने पांडवों की धोनियाँ भी स्थापित की हैं। दोस्तों हम आपको ले चलते हैं बेड़सी गंगा, जहाँ हजारों साल पुराना ये पेड़ आपके सामने है। यहाँ के इतिहास के बारे में ताजू महाराज हमें बताएंगे। ये जो बेड़सी गंगा के नाम से मशहूर है आपके सामने पेश है, ये भक्तगण सभी यहाँ सेवा कर रहे हैं। आपके सामने हम ले चलते हैं बेड़सी गंगा। महाराज जी बताइए बेड़सी गंगा के बारे में, बताइए इस कुंड के बारे में बताइए। बेड़सी गंगा कुंड के बारे में साहब ऐसा है कि यहाँ पर पहले जंगल था बहुत, तो इनके पहले पांडवों केरवों का युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों और केरवों के युद्ध में केरवे थे वो गाय पांडवों की लेके भाग के निकले थे, तो सामने आकर अर्जुन जी ने गाय नहीं रुक रही थी तो बाण मारा, तो बाण मारने से गाय की एक की दो खरिया होने से ऊपर माता खरहन रखी थी तो नीचे गिर गई, तो उसको बचाने के लिए अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन जी पताल बाण मारो, तो पताल बाण मार के यहाँ पर पानी निकाला और गायों को जिंदी की। और ये आज तक कई सदियों से कृष्ण भगवान और पांडव थे तब से आज तक ये चलता आ रहा है और ये पानी है वो यहाँ से निकल रहा है सब। हमारे इस गंगा का इतिहास इतना प्रसिद्ध है, जो हमारे लोग यहाँ शमशान में दाह संस्कार के बाद जितनी हड्डियाँ होती हैं और उनके फूल ला के यहाँ पधराते हैं तो 2 घंटे में वो फूल एक बिल्कुल पानी बन जाता है,
जहाँ हबुद्रा और बेनेश्वर में भी ये फूल ऐसे कैसे रहते हैं, मन हमारे एक दो घंटे में ये फूल बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इसकी पानी की इतनी एक विशेषता है। और यहाँ से जो लोणेश्वर गुजरात में नदी बनी हुई है, उसका जन्म स्थान भी यहाँ से निकला हुआ है। यहाँ से आगे जाके भादर डैम बनता है और डाबैन से जो पानी नीचे निकलता है वो आगे जाके लोणेश्वर नदी बन गई है। और जो जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है भादर डैम, वो भादर डैम ये लोणेश्वर नाम से विख्यात है। ये कुंड कहाँ तक है? ये कुंड है 3 फीट गहरा है। 3 फीट गहरा, 3 फीट गहरा। यहाँ पानी कभी कभी सूखता नहीं है, गर्मी पड़ती है। पहले जमाने में जो पानी की हमारे समस्या थी, उस समय पूरे घुवेड़ बांदियावली ये पूरे बेरसा एरिया और घुवेड़ी एरिया के पशु यहाँ पानी पीने के लिए और चरने के लिए यहाँ आते थे। गुजरात ऐसी गाय आती थी, रेबड़ियों की यहाँ रहती थी और यहाँ पानी पीता था। ये किस पानी नहीं होता था, काल में भी ये पानी पशु भी पीते हैं, इंसान। हम खुद यहाँ बेरसा से यहाँ पानी ले गए थे, अकाल पीड़ा था उस समय। बीमार हो जाता है हमारे तो जाके गौओं पर छिड़कते हैं तो उसकी बीमारी भी मिट जाती है। हाँ, यहाँ हमारे इस एरिया में ये सबने लपसी की बीमारी जो गायों पर निकली थी, इन्हें बारह में यहाँ से लेकर पानी ले जाकर हमारे इस एरिया वालों ने सब गायों को पिलाया और ऊपर छिड़का, तो एक भी हमारे एरिया में यहाँ पर 84 एरिया में गाय नहीं मरी साहब, और आज तक किसी को बीमार नहीं हुआ कोई। ये भी इस पानी की व्यवस्था, इतनी शक्ति इस पानी में भी है साहब। बहन जी बताइए इस पेड़ के बारे में बताइए। हाँ, तो ये पेड़ बहुत पुराना है, हमारे बाप दादा के वक्त का है, हमने ऐसा ही देखा था। वो एकदम खड़ा था, अब धीरे धीरे थोड़ा झुक गया है। और भगवान के ऊपर ये कुंडों में हर टाइम फूल बरसाता रहता है, ये वृक्ष अपने आप ये सेवा कर रहा है साहब। कौन सा फूल है ये? ये चंपा का, चंपा खुशबू वाला पेड़ है। बोलो गनी माँ की। ये गनी माँ की समाधि है। ये हमारे बाप दादो को गुरु गोविंद महाराज थे, वो सौंप गए थे जीवते पाड़वा मुए बाड़वा, तो इन्हें जीवे तब तक सेवा की दीण नहीं जीवते पालन पोषण की दू। इन्हें बाद में देवलोक थी गया तो अर्जुन बाण गंगा माता ने समाधि करी। तो इन समाधि में हर साल 3 बार मेला लगता है, रोज हम सेवा कर रहे हैं और अभी मंदिर बना के भी तैयारी कर रहे हैं, और आज भी अस्थिर है और आज भी हम सेवा कर रहे हैं, और यहाँ पर आके हम जो कल संकल्प करते हैं वो हमारा पूरा हो रहा है। उनका मेला कब भरता था? एक तो भादरवी 11, अकाद तीज और नवरात्रि, और ये सावन सौत का भी बलता भरता। आज भी सुबह मेला था यहाँ, सावन सौत का, इस सौत का लगता है, और एक सौदेश पूर्णिमा को पूर्णिमा दाड़े मेलो लगे आड़ी सुदेश। हाँ बोलो कलजी बेमा की। ये हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज जो गुरु गोविंद के शिष्य बने थे, गोविंद महाराज के फर्स्ट शिष्य बने थे कलजी और भीमा दो, इनका भाई थानू, तीनों की ये एक पत्थर के नीचे समाधि की है। और उन्होंने बताया गुरु गोविंद के उपदेश के आधार पर कि आज से पहले जितने भी जला दिए वो जला दिए, इसके बाद आज से समाधि करना, जमीन दाग करना, 4 दाग हैं इनमें से जमीन दाग आपको करने का है। तो आज तक हम जमीन दाग कर रहे हैं साहब, और इनकी पूजा कर रहे हैं, जमीन की समाधि की पूजा कर रहे हैं। यहाँ जो कलजी भीमा की समाधि है, इसके बाद थानुगर्ज महाराज किए थे, तीनों महाराज जो हमारे गुरु महाराज हुए, गुरु गोविंद हुए, इनके अनुयायी बनने के बाद में हमारे गुरु महाराज ने उपदेश दिए कि भाई जो भगत बन जाता है उसकी समाधि की जाती है। तो उसके अनुसार गांवों गांवों में जहां पर भी भगत बने हुए हैं, भक्तनी है जो गुरु महाराज के अनुयायी है, इनको समाधि दाग दी जाती है, विधि विधान से उसकी समाधि खोदकर उसको दफनाया जाता है, और उसकी पूजा पाठ तिथियों के अनुसार पूर्णिमा बीज पूर्णिमा को उसकी पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। और इस प्रकार से ये गुरु महाराज के अनुयायी के बाद में समाधि करना शुरू किया। जब से अभी तक भी अभी तक कभी समाधि का कार्यक्रम चलता रहता, मरने के बाद में उसकी समाधि दी जाती है।